thank you very much for this platform. It's a very proud moment for me. ये मेरा पहला फिल्म है as a director, and there is a coincidence because मेरे पिताजी late अम्मिया पटनायक, उन्होंने अपना पहला फिल्म जब किया था 1985 में हकीम बाबू, उसको फर्स्ट मतलब उनका पहला फिल्म नेशनल अवार्ड मिला था इन द रीजनल सेक्शन उड़िया में. एंड ये मेरा फिल्म पहला फिल्म है जिसमें इफ़ी में सेलेक्ट हुआ है इंडियन पनोरामा में. सो इट्स अ वेरी सरियल कनेक्शन, बट इट्स अ प्राउड मोमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ द थिंग, एंड सेकेंड ऑफ ऑल आई एम शेयरिंग दिस, आई मीन दिस टेबल विद सच टैलेंटेड पीपल एंड हुम आई लुक अप टू फ्रॉम चाइल्डहुड, एंड आई एम शेयरिंग दिस टेबल विद अनुपम खेर जी. दैट्स एक्चुअली आउट ऑफ इमेजिनेशन. इट्स अ वेरी बिग मोमेंट फॉर अस, स्पेशली फॉर द उड़िया इंडस्ट्री एज वेल, क्योंकि अभी उड़िया इंडस्ट्री जो सिचुएशन में जा रहा है एंड जो सिचुएशन में है, ऐसा फिल्म इंडियन पनोरमा में सेलेक्ट होना इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर अस. हमको इंडिया में एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे रहा है सो दैट लोग ये इंडस्ट्री के बारे में जाने, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू इफ़ी एज वेल फॉर सेलेक्टिंग दिस फिल्म. बाकी हमारा फिल्म 2 दिसंबर को रिलीज़ होने वाला है, सो दिस विल डेफिनेटली बूस्ट इट, एंड वी होप दैट इट रीचेस अप टू एवरीवन. थैंक यू. योर आंसर सर. सभी को नमस्कार, सर को नमस्कार. दिस इज़ ए क्वाइट सरप्राइजिंग मोमेंट. हमको पता नहीं था कि हमको आपके साथ टेबल शेयर करने को मिलेगा. जैसे अनुपम भाई बोले, दिस इज माई ऑल्सो माई फर्स्ट फीचर फिल्म एज ए लीड प्रोटैगनिस्ट, तो दिस इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस. हमारे ये फिल्म हमारे लिए जितने इम्पोर्टेंट है, पूरा उड़ीसा के लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उड़िया इंडस्ट्री अभी जिस दौर से गुजर रही है, ये फिल्म इंडियन पैनोरमे में आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. फिल्म 2 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है, तो आई वुड लाइक टू थैंक यू द एंटायर ज्यूरी मेम्बर्स फॉर दिस सिलेक्शन. एंड इस फिल्म के 60-70% क्रू मेम्बर्स की डेब्यूटेंट फिल्म है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है टू शोकेस देयर टैलेंट, टू शोकेस देयर लैंग्वेज. सो उड़िया भाषा के लिए, उड़िया मिट्टी के लिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. एंड इट्स अ फिल्म अबाउट ए फादर सन. जो जिन लोगों ने कल मूवी देखी होगी उनको पता होगा कि कितना रिलेटेबल है ये फिल्म. तो जब उड़ीसा में ऐसे फिल्म बनाना शुरू हो चुकी है, तो आई थिंक हम भी आगे भी हमको मौका मिलेगा कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म में फिर एक बार आए, अपना टैलेंट शोकेस किए करें. तो थैंक यू एवरीवन. आई एम क्वाइट स्पीचलेस राइट नाउ बिकॉज आई एम विद सच पीपल हुम आई लुक, मतलब बचपन से देखते आ रहे हैं आप लोगों को, आपसे सीखते आ रहे हैं. सो आई वुड लाइक टू थैंक यू इफ़ी फॉर दिस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. आप नवर एक तो मैं ये आप दिमाग से निकाल दो कि आप उड़िया फिल्म से हो, आप तेलुगु फिल्म से हो, तमिल, हम हिंदुस्तानी फिल्म से, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हो. सो यू नीड टू से दैट आई एम फ्रॉम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड आई मेक इन उड़िया फिल्म. यू आर नॉट फ्रॉम उड़िया फिल्म इंडस्ट्री, यू आर फ्रॉम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. इट्स अ लार्जर देन लाइफ फिल्म इंडस्ट्री. ओके, दैट्स वन थिंग. मैं पूछता हूँ इनसे सवाल आपकी तरफ से. सो आपने कहा कि आपके फादर ने फिल्म बनाई थी 1985 में. यू ऑलवेज वांटेड टू मेक ए फिल्म? ऑलवेज. आई लर्नड इट फ्रॉम माय फादर्स, माय पेरेंट्स, दैट व्हेन आई वाज बोर्न द फर्स्ट थिंग व्हिच आई डिड वाज जस्ट लुक्ड एट द टीवी. ओके, सो इट हैड बीन ऑलवेज इन माय ड्रीम टू मेक अ फिल्म. सो एंड हु रोट द स्टोरी? It's actually based on a short story by Gaurav Haridas. So he's a Sarla Award winner. So the story is, it's a short story. I think it's a 2 or 3 page story. But then Roshan Biswas, he's the script writer of our film. So we sat and developed the script. So I think we did around 15 or 16 drafts of the film. And I'll tell you a very, a very important point of the film is, the film is basically about the father-son relationship. And the son is an unemployed guy. He's looking for a government job, or his father is on the verge of retirement. He has like 5-6 months of retirement left in Bhubaneswar. The entire story is based in Bhubaneswar. It's a simple middle class family, but then the father wants the son to get a job
on based on his merits. But then in the government offices and jobs, you know, normally a lot of places nothing happens on merit. So there's a lot of things which has to be done under the table or lobby, aisa sab karna padta hai. So son is expecting ki mera baap bhi mere liye aisa kuch karega. But then the father expects, no, no, you have to work on your merit. So isi dauran mein kya hota hai? The father is diagnosed with a very lethal disease. तो वो स्ट्रगल को लेकर कहानी है कि अभी एक तो मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, और ऊपर से अभी मेरे पिताजी का ऐसा एक सिचुएशन हो गया. सो अ कोइंसिडेंस इज दिस कि द स्टोरी इज बेसिकली इट रिफ्लेक्ट्स माय स्टोरी एज वेल, बिकॉज व्हेन वी वर राइटिंग द फिल्म माय फादर वाज डायग्नोस्ड विद पैंक्रियाटिक कैंसर एंड ही पास्ड अवे इन 2018. दिस वॉज जस्ट व्हेन वी वर इन द स्क्रिप्टिंग स्टेज. So I remember I just I called my writer. I told him, "Bhai, tu ending change kar de. Ending mein I don't want the father to die." So then pancreatic cancer is also a such type of disease that wo aise hi matlab last moment mein pata chalta hai. So that's the emotional connect with the story. And after that we were all of us were heartbroken. And I thought, "Nahi, ye film nahi karna mere ko abhi." Aisa situation hua hai. But then my wife, my mother, all of them, they came together and told, "No, you have to do it. You have always dreamt to do it. You do it just because of your father." So yeah, that's how this connection became, and everybody is very emotional with this film. And let's hope for the best. What happened yesterday? I saw your film Pratiksha. तो मुझे ऐसा लगा कि आपने एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड यूथ को हैंडल करने का यू शोन दैट करेज. इट्स थैंक्स फॉर दैट. बट मेरा सवाल है कि इस प्रोसेस में आपने एक अलग तरह से हैप्पी एंडिंग दिखाया, तो फॉर अ वन सेकंड आपको ये टेम्पटेशन हुआ क्या कि इसका इस सॉल्यूशन का कुछ जवाब देने का हम प्रयास करिए? कभी आपको लगा क्या इस दौरान व्हाइल मेकिंग अ फिल्म, बिकॉज यू हैव हैंडल्ड द जो इमोशनल जर्नी रहेगी ये यूथ की, इवन द एक्टर हैज शोन इज ब्यूटिफुली ऑन द स्क्रीन, तो आपको ऐसा लगा कि ये प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन देना भी मेरा काम है या मेरे फिल्म के जरिए मुझे ये देना चाहिए, ऐसा आपको लगा था क्या इस दौरान? देखिए, एंडिंग हमने इसीलिए ओपन रखा क्योंकि मैं अभी सॉल्यूशन नहीं दूंगा. अभी हु एम आई टू गिव अ सॉल्यूशन? आई हैव केप्ट इट ओपन. बेसिकली एंडिंग में ही गेट्स द जॉब, ही गेट्स द लेटर, बट देन इट डिपेंड्स ऑन हिम कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन कोई फेस करता है, अगर ऐसा कुछ फैमिली में प्रॉब्लम होता है, एंड आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉयल द आई मीन आई डोंट वॉन्ट टू गिव द स्पॉयलर, बट व्होएवर हैज सीन द फिल्म, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन द पब्लिक व्हाट दे वांट टू डू. आइदर दे वांट टू डू इट और दे डोंट वांट टू डू इट. तो ये तो फिल्म देखने के बाद ही दे विल डिसाइड. तो मेरे एंड से इफ आई वॉज इन हिज प्लेस आई वुड हैव डन द सेम थिंग विच द एक्टर डिड. दैट वॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू. बट देन डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट फीलिंग्स. Yes, और मैं आपको एक आज प्राइज देना चाहता हूं, अनुपम सरप्राइज भी देना चाहता हूं और प्राइज भी देना चाहता हूं फॉर हिज सेंटिमेंट्स फॉर हिज फादर. आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस दिस फिल्म इन हिंदी एंड आई वॉन्ट टू प्ले द फादर एंड आई डोंट हैव मच मनी विद इन माई पॉकेट, बट दिस इज योर टोकन मनी. थोड़े ही पैसे हैं बचे हैं तो आपके पास. नहीं नहीं है, आपसे नहीं लूंगा सर, नहीं तो फिर आप पे हिस्सा मांगेंगे. बिग इवेंट. सर, दिस इज योर 1100 रुपीज एज योर साइनिंग अमाउंट. यू आर मेकिंग माय फिल्म. क्लैप फॉर बोथ द अनुपम सर. ओके, नाउ इट इज अनुपम स्क्वायर सर. कैन वी से एक तो नाम इन्होंने, मेरे पिताजी ने तो 1955 में कैसे मेरा नाम अनुपम रख दिया, मैं समझ नहीं पाता हूँ. और मेरे भाई का नाम फिर छोटा कर दिया, राजू.